भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच में रोहित शर्मा की होगी एंट्री और कैसी रहेगी प्लेइंग 11 वीडियो में आगे बताएंगे और इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला वनडे मैच जीतकर भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज का 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब सीरीज का दूसरा मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा की वापसी होगी। यदि रोहित शर्मा की टीम में वापसी होगी तो प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरा वनडे मैच 19 मार्च को होना है। बता दें कि पहले वनडे मैच में ईशान किशन असफल रहे हैं, वहीं केएल राहुल पहले वनडे में विकेट कीपिंग और बैटिंग से बेहतरीन प्रदर्शन किया। राहुल ने विकेट कीपिंग करते हुए एक शानदार कैच भी लपका है और साथ ही बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंद में 75 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं केएल राहुल की पारी के दम पर भारत ने मैच जीतने में सफल रही है। ऐसे में केएल राहुल का बाहर बैठना मुश्किल होगा। वहीं सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इस समय खराब चल रहा है। सूर्या और ईशान के पिछले कुछ समय वनडे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यकीनन एक चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन सूर्य कुमार टीम इंडिया के एक फैक्टर माने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023 की रणनीति में शामिल होने के लिए तैयार है। ऐसे में उनको बाहर नहीं बिठाया जा सकता, यानी रोहित के आगे ईशान किशन को ही बाहर बैठना पड़ सकता है। आइए हम चलिए बताते हैं दूसरे वनडे के प्लेइंग 11 खिलाड़ी कैसे रहेगी। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी हो सकते हैं।